दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा ऐसा एक्टर है जो डॉक्टर बनने के बजाय एक्टर बन गया? फिल्म इंडस्ट्री का वो कौन सा सितारा है जिसे शॉटगन का टाइटल भी दिया गया? अगर ऐसा क्या हुआ राजेश खन्ना और इस एक्टर के बीच में, जो राजेश खन्ना मरते मर गए लेकिन इस एक्टर से किसी तरह की बातचीत नहीं रखी? अगर आप नहीं जानते तो आइए आज की वीडियो में हम बताते हैं। इस एक्टर का जब भी नाम आता है तो सब लोग बोलते हैं खामोश, समझ गए ना? जी, हम बात करें दी वन एंड ओनली शत्रुघ्न साहब के बारे में। दोस्तों, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शानदार एक्टर और एक बेहतरीन पॉलिटिशियन है। अपनी बुलंद आवाज से हर किसी को खामोश करने वाले शत्रुघ्न साहब ने कालीचरण, विश्वनाथ, शान, काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2018 में इनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश रिलीज हुई। 40 दशक के अपने फिल्मी करियर में दोस्तों इन्होंने कम से कम 200 हिंदी फिल्मों में काम किया है। वहीं पॉलिटिक्स में 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं ये। इन्होंने 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। आइए जानते हैं दोस्तों इस बिहारी बाबू के बारे में सब कुछ आज की वीडियो में। शत्रुघ्न साहब का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 15 जुलाई 1946 में भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी जी के घर पे हुआ। आपको बता दें, इनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे और डॉक्टर होने की वजह से वो हमेशा यही चाहते थे कि उनके बेटे भी भाई एक डॉक्टर ही बने। वो इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ रहीं। भाई बहनों की बात करें तो परिवार में इनको मिलाकर ये 4 भाई हैं, जिनमें शत्रुघ्न साहब सबसे छोटे हैं, इसलिए प्यार से सब इन्हें छोटका बबुआ कहा करते हैं। जब छोटका बबुआ कुछ बड़े हुए तो इन्हें पढ़ाई के लिए भाई स्कूल भेजा गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छोटका बाबू ने पटना के साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे से एक्टिंग की क्लास ली। आज इसी संस्थान में दोस्तों उनके नाम पर छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जा रही है। बाद में मुंबई चले आए जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। इस तरह ये पहुंच गए मुंबई, जो जमाने में थी बम्बई, जहां से इन्होंने अपना फिल्मी सफर तय किया। आइए जानते हैं इन्होंने फिल्मों में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेले और किस तरह इस बड़े मुकाम तक पहुंचे। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे लेकिन पापा की जिद की वजह से अपना फैसला ले नहीं पा रहे थे। आखिरकार इन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और पापा का जो डर था उसे भी किनारे किया और फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में एडमिशन लिया और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये पूरी तरह से फिल्मों में काम करने का बॉस रेडी हो गए। लेकिन अभी इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला था। इसी सोच के साथ जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें काफी रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन इसलिए नहीं कि उनकी एक्टिंग में कुछ कमी थी, बल्कि भाई उनके चेहरे पर कट के निशान की वजह से उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। ऐसे में वो सोच रहे थे क्यों ना प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए, जिससे उनकी ये समस्या बॉस दूर हो जाएगी। लेकिन तभी उनकी मुलाकात देवानंद साहब से हुई। उन्होंने ऐसा करने के लिए मना किया। उन्होंने समझाया, आप लगातार कोशिश करते रहिए। काफी कोशिश के बाद उन्हें साल 1969 में फिल्म साजन में काम करने का मौका मिल ही गया। इस तरह से हमारे बिहारी बाबू यानी कि शॉटगन, बोले तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बॉलीवुड में हो गई एंट्री। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये वो दौर था जब मल्टी स्टार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी और इसका फायदा मिला हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न साहब को। इनकी बुलंद कड़क आवाज और चाल ढाल के कारण ये बहुत ही जल्दी दर्शकों के चहेते एक्टर बन गए। लेकिन आए थे मुंबई नगरिया में हीरो बनने, बट इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। लेकिन शत्रुघ्न साहब भी ठान चुके थे कि वो एक एक्टर बन के रहेंगे, जिसके चलते इन्होंने खलनायक के संग संग हीरो के रूप में भी काम किया। अगर आपने उनकी फिल्में देखी हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंह फट हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बड़बोला एक्टर के नाम से पुकारा जाने लगा। शत्रुघ्न साहब द्वारा बोले गए सभी डायलॉग इतने फास्ट और सटीक होते थे मानो बंदूक से निकली हुई कोई गोली हो, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दिया गया। तो इस तरह से हमारी शॉटगन की एंट्री बढ़िया तरीके से अब हो चुकी थी। आइए अब जानते हैं इनकी डेब्यू मूवी कौन सी थी और किस तरह इन्हें ये फिल्म मिली। जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं, इन्होंने अपनी पहली फिल्म साजन की, जो कि डायरेक्टर मोहन सहगल द्वारा डायरेक्टेड फिल्म थी। इस फिल्म में उनके संग एक्ट्रेस मुमताज ने काम किया। इसके बाद इन्होंने साल 1970 में एक फिल्म आई जिसका नाम था खिलौना, उसमें एक छोटा सा रोल किया जिसमें उनके ऑपोजिट एक्टर संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को भाई बिहारी का रोल दिया गया। इस रोल को शत्रुघ्न साहब ने इतनी बढ़िया तरीके से किया कि रातों रात वो प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गए और जिस चीज को वो अपने लिए नेगेटिव समझ रहे थे ना, यानी कि उनके गाल का कट, वो निशान भाई उनके लिए पॉजिटिव साबित हुआ, क्योंकि यही निशान एक खलनायक का प्लस पॉइंट बना। इस निशान के साथ साथ शत्रुघ्न साहब ने अपने एक्सप्रेशन में इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल किया और अपनी एक्टिंग में बॉस जान डाल दी। इस तरह अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में करने के बाद ये आगे बढ़े। आइए बताते कि इनका पीक पॉइंट कौन सा था जब इनको सफलता मिली ज्यादा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री मैन के नाम से जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन साहब इनके संग कई फिल्में कर चुके हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया था। इनके नाम से ही लोग इनकी फिल्में देखने जाया करते थे। इसके बाद इन दोनों ने यश चोपड़ा साहब द्वारा डायरेक्टेड एक फिल्म काला पत्थर में काम किया। ये फिल्म 1975 में बिहार में हुए कोयला खान इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जिसमें पानी भर गया था और मजदूरों को बचाया गया था, उस पर ये मूवी बनाई गई थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न साहब एक डाकू का रोल निभाते हैं। काला पत्थर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल ना दिखा सकी, लेकिन लोगों ने अमिताभ साहब और शत्रुघ्न साहब की जोड़ी को बड़ा पसंद किया और दोनों ने कई फिल्में की, जैसे कि दोस्ताना, शान, नसीब, ऐसी कई फिल्में शामिल हैं और इस तरह इन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों को छुआ। पर पिक्चर अभी बाकी है बाबू।
मुशाय। आइए जानते हैं फिल्मों के अलावा इन्होंने और क्या क्या किया। देखिए, जब शत्रुघ्न साहब को राजनीति में करियर आजमाने का मौका मिला तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को साल 2019 में ज्वाइन किया। दोस्तों, शत्रुघ्न साहब ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की। एक बार की बात है, सुपरस्टार काका राजेश खन्ना के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो अपने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए। हालांकि इस बात से राजेश खन्ना को काफी ठेस पहुंची और उन्होंने शत्रुघ्न जी से कभी भी बात नहीं की। लेकिन शत्रुघ्न जी ने काफी कोशिश की थी अपनी साइड से कि वो राजेश खन्ना साहब से अपनी दोस्ती को ठीक कर सके, बट ऐसा हुआ नहीं। राजेश खन्ना साहब का 2012 में देहांत हुआ, पर तब तक भी उन्होंने इनसे बात नहीं की। आगे आप जानते हैं इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, खबरों में आते ही रहते हैं। आइए आपको बताते हैं अभी कि शत्रुघ्न साहब की लाइफ में वो कौन सा टाइम था जिसे वो अपनी लाइफ का सबसे बुरा वक्त मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शत्रुघ्न साहब और पूनम जी की शादी एक लव मैरिज थी। हालांकि इस रिश्ते को तूफान का सामना तब करना पड़ा जब शत्रुघ्न साहब स्टार बन गए। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी से एक तरह से तलाक ही ले लिया था। ये बताते हैं कि पूनम से 3 साल तक कोई रिश्ता नहीं रखा, बावजूद इसके पूनम हमेशा इनकी सलामती के लिए लोगों से पूछताछ करती थी और उनके स्टाफ से उनकी देखभाल करने की बात किया करती थी। वो अपनी सफलता के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से दूसरी लड़कियां उन पर अटेंशन देंगी और इसी वजह से उन्होंने पूनम से दूरी बना ली। शत्रुघ्न साहब ने अपनी पत्नी के संग बेवफाई की और ये बात उन्होंने खुद कबूल की, जिसका उनको पछतावा भी है। अपनी जिंदगी के इस फेज को ये खराब फेज मानते हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान इन्होंने दोस्तों बहुत सी फिल्में की हैं जिसके लिए इन्हें अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सी खिताबों से इनको नवाजा गया है। आइए बात करते हैं उन चीजों के बारे में। फिल्म पारस के लिए 1971 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। 1974 में दोस्तों इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिर से अवार्ड मिला। 1980 में आई फिल्म दोस्ताना के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड से नवाजा गया। 2014 की अगर बात करें तो इन्हें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी कि बहुत अच्छा रोल निभाने के लिए, आईफा अवार्ड से नवाजा गया। 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इस तरह से इन्होंने अपने नाम वो सारे अवार्ड्स किए जिसके वो सही मायने में हकदार थे। आइए बात करते हैं इस बारे में कि क्या ये दिखाई देने वाले स्क्रीन पे। दोस्तों देखिए, फिलहाल ये अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके फैंस इनकी मूवीज का इंतजार करते हैं। उम्मीद हमको भी ये कोई फिल्म है, लेकिन अपडेट अभी तक कुछ नहीं है। वेल, शत्रुघ्न साहब ने इतना नाम कमाया, इतने पैसे कमाए हैं, तो भाई नेटवर्थ की बात करना तो बनता है। इनकी नेटवर्थ $18 मिलियन के आसपास है, यानी कि भारतीय रुपयों में 131 करोड़ रुपए। इनके पास दोस्तों गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। BMW ऑडी जैसी गाड़ियां ये लेके चलते हैं। साथ ही दोस्तों, मुंबई के पौश इलाके जुहू में इनका एक आलीशान बंगला है। साथ ही बिहार के पटना में भी इनका एक बंगला है और इनकी रियल एस्टेट में काफी संपत्ति है। तो दोस्तों, ये थी शत्रुघ्न साहब की पूरी लाइफ की जर्नी। इनके बिना बॉलीवुड इंडस्ट्री का वजूद बिल्कुल फीका है। आज बॉलीवुड के कई सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा को अपना आदर्श मानते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई महान अभिनेताओं ने सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा साहब से बहुत सी सीख भी ली है। वेल, आप मुझे बताइए इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे बढ़िया लगती है, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।